हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रीमिक्स के T-166 सेशन में। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 166 डेज अवे है अभी प्री, और हिस्ट्री पर फोकस है आज, क्योंकि आज है मंडे एंड हर आपको पता हर दिन की एक थीम रहती है। आपको मैंने एक जो रीवैम्प्ड प्रीमिक्स में बताया था कि थीम्स क्या क्या रहेंगी, दो हफ्ते बीत चुके हैं उसको, एंड वी आर बैक टू हिस्ट्री। ठीक है दोस्तों, हिस्ट्री करेंगे तीन सवाल एंड तीन सवाल करंट अफेयर्स के। आज के कुछ टॉपिक्स की थीम्स ये रहेगी। ऑल राइट, तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रीमिक्स। ऑल राइट दोस्तों, तो सबसे पहला सवाल देखते हैं आज का, ये है अबाउट ट्रेवलर्स। लास्ट ईयर भी सवाल पूछा गया ट्रेवलर्स पर, हमने एक वहां पर आपको छोटा सा एक 1 मिनट रिवीजन सीरीज में ट्रेवलर्स के बारे में बताया भी था, टेस्ट सीरीज में सवाल भी था, तो पेपर में रिलेटिवली इट वॉज अ लिटिल ईजियर टू सॉल्व इट। ठीक है, तो ऐसे ट्रेवलर्स पर नजर बनाए रखनी है आपकी, ये जो NCERTs में ट्रेवलर्स का मेंशन है, ठीक है, मिडिवल इंडिया में तो बहुत ज्यादा। तो आपने मुझे बताना है कौन से ट्रेवलर्स करेक्टली मैच्ड हैं। पहला अल बिरूनी, ये उज़्बेकिस्तान से आए थे 11वीं सदी में। इब्न बतूता मोरक्को 14th century। फ्रांसुआ बर्नियर फ्रांस से आए थे एंड 17th century। बताइए कौन से यहाँ पर ट्रेवलर्स एंड उनकी जगहें, उनका टाइम पीरियड करेक्टली मैच्ड है। ऑलरेडी दोस्तों इनकी बुक्स के बारे में, सब कुछ के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्या क्या लिखा, क्योंकि आपको ये पहले सवाल पूछा जा चुका है कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया कि बुक में क्या मैंशन किया था फाहियन ने। ठीक है, तो जो UPSC काफ़ी डेप्थ में जाकर सवाल पूछता है, लेकिन शुरुआत करने के लिए हमें ये तो पता होना चाहिए। ऑल राइट दोस्तों, राइट आंसर इज कि सभी के सभी करेक्टली मैच्ड हैं। मैं आपको तीनों के बारे में फटाफट बताता हूँ, अल बिरूनी के बारे में, सब कुछ के बारे में। ये क्लास जो 12वीं क्लास की NCERT चैप्टर 1 में गिवन है, ये जहाँ पे आप देख सकते हैं मिडिवल इंडिया की जो हमारी जो वॉल्यूम है, सेकेंड वॉल्यूम, उसमें गिवन है ये। ठीक है, तो चैप्टर 1 में ही सब इनका जिक्र आ जाता है। तो अल बिरूनी वैसे 973 में, मतलब 10वीं सदी में पैदा हुए, ख्वारज़्म उज़्बेकिस्तान में, और बहुत सी लैंग्वेजेज जानते थे। इनके बारे में जो वहाँ लिखा है हमें पता होना चाहिए। देन सुल्तान महमूद इन्वेड करते हैं अपने साथ ही गजनी, बहुत सारे पोएट्स स्कॉलर्स को जो सुल्तान महमूद वापस ले आते हैं, वहीं पर ही अल बिरूनी भी साथ आते हैं एंड अल बिरूनी डेवलप करते हैं अपना इंटरेस्ट इंडिया में। देन उसके बाद, क्योंकि इंडिया बहुत ही प्रॉस्परस एक जगह थी, दिल्ली सल्तनत वगैरह भी वहाँ शुरू हो चुका था, तो वहाँ पर अब वो आते हैं इंडिया में एंड इंडिया के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ना शुरू करते हैं, अरबिक में ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं, एंड उसके बाद यहाँ पर आकर ये जो बहुत सारे किसकी कंपनी में, बहुत सारे ब्राह्मण्स, जो ब्राह्मण प्रीस्ट स्कॉलर्स हैं, उनसे आके संस्कृत सीखते हैं और बहुत सारे फिलोसॉफिकल टेक्स्ट वगैरह को ट्रांसलेट भी करते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ से कहाँ ट्रैवल किए हमें एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन यस, हमें इनके बारे में जो नॉलेज है वो यहाँ NCERT में गिवन है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इब्न बतूता मोरक्को से आते हैं, तंजीर में पैदा हुए, उसके बाद काफ़ी अच्छे भले परिवार में पले बड़े, जो इस्लामिक लॉ, रिलीजियस लॉ, शरिया में काफ़ी माहिर, इसी के कारण जब ये इंडिया आते हैं तो यहाँ पर जो भी बहुत जगहों पर एक्सटेंसिवली ट्रेवल करते करते तो यहाँ पर ये पहुँचते हैं हमारे MBTG के पास, जो मोहम्मद बिन तुगलक इनको अपने वहाँ पर एक अच्छी पोजीशन पर भी बिठा देते हैं, काजी बना देते हैं या जज बना देते हैं। उसके बाद इनके कुछ वहाँ से उनके साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाती है क्रिएट, उनको जेल में बंद कर देते हैं। फाइनली ये जो मोहम्मद बिन तुगलक जी, इनको आज़ाद करते हैं और बोलते हैं कि जाइए आप चाइना की तरफ, तो वहाँ से वो चाइना की तरफ निकल जाते हैं इंडिया से। तो आप वहाँ वापस जाकर उसके बारे में पढ़ सकते हैं आपके किसकी मदद से इब्न बतूता ने वापस पहुंचकर अपनी किताब लिखी, वो नाम आपको याद होना चाहिए, UPSC में आपको पूछ सकते हैं। फ्रांसुआ बर्नियर, आपको पता था मुगल शासक के जो शाहजहाँ हैं उनके बेटे दारा शुकोह के डॉक्टर भी थे, एंड जो दारा शुकोह के ये जो फिजिशियन मतलब डॉक्टर थे, एंड उसके साथ ही वहाँ पर जो शाहजहाँ के रजीम में एक और भी जो आर्मेनियन एक जो नोबल हैं बहुत ही फेमस, दानिशमंद खान पर भी सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद जो थोड़ा टाइम बाद बर्नियर को जो इनको इस इंटेलेक्चुअल और साइंटिस्ट टाइप जो उपाधि मिल गई थी, वो वाले काम करते थे ये मुगल्स में, एंड बर्नियर ने भारत की बहुत, इंडिया की बहुत ही ब्लीक सिचुएशन पेंट की, बताया कि जैसे फ्रांस वगैरह में बहुत ज़्यादा जैसे जो इंडिविजुअल फ्रीडम है एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी वगैरह मिलती है, इंडिया में कहते ऐसा कुछ नहीं मिलता। तो उन्होंने इंडिया की बहुत ही ब्लीक, मतलब बहुत ही एक डार्क सी इमेज प्रेजेंट करी दुनिया को। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट ट्रेवलर्स हैं इनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, हम ग्रेजुअली शेयर करते रहेंगे, टेस्ट वगैरह में तो है ही, आप अपनी NCERTs भी पढ़ते रहिए। ऑलराइट, चलिए अगला सवाल, आप मुझे बताइए अबाउट भक्ति ट्रेडिशन कौन सी स्टेटमेंट है इनकरेक्ट। पहली,
जो अनटचेबल्स कहलाते थे, ठीक है, अनटचेबल्स जो उनको भक्त नहीं माना जाता था संतों द्वारा, ठीक है, जो संत थे, सेंट्स थे, वो अनटचेबल्स को भक्त नहीं मानते थे। दूसरा जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक किताब है जो जो कॉम्पोजिशन थी बहुत सारी भक्ति के संगीत, वो उसका नाम था नलायीरा दिव्य प्रबंधम, ठीक है। नलायीरा दिव्य प्रबंधम पर आपको सवाल पूछा गया है कि ये नाइनर्स की कॉम्पोजिशन थी एंड इसको तमिल वेदा भी कहा जाता है, क्या ये बात सही है? आपने यहाँ पे क्या बताना है, ठीक है, ये देखो मार्क किया गया आपके लिए इनकरेक्ट, कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपने बतानी है कौन सी है, वन टू बोथ या नन ऑफ दीज, ठीक है दोस्तों। तो इस पर थोड़ा सोचिए कि पहली स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट क्या करेक्ट है क्या नहीं, एंड राइट आंसर इज कि दोनों गलत है, कि जो भक्ति मूवमेंट जो थी वो तो यही था कि इंडिविजुअल पर ले गए थे बात, वो ऐसा ना वो जैसे कि कह रहे थे कि नहीं ये कास्ट कर सकती है जो प्रे कर सकती है नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं कहते थे। जो भक्ति से संत थे उनके तो बहुत सारे भक्त थे वो लोअर कास्ट से ही थे, इनफैक्ट अनटचेबल बहुत सारे जो लोग थे वो अंत में संत भी बने, ठीक है, ऐसा भी हुआ। एंड ये जो नलायीरा दिव्य प्रबंधम दैट इज ट्रू, इसको तमिल वेदा कहते हैं, लेकिन ये नाइनर्स की कॉम्पोजिशन नहीं है, ये अलवर्स की कॉम्पोजिशन है, ठीक है। तो ये हमें ऐसी बातें बतानी चाहिए, ये जो एनसीईआरटी 12वीं क्लास चैप्टर 2 और कि वाइड रेंज से आते थे भक्त और ब्राह्मण्स वगैरह अनटचेबल सब थे जो, और बहुत सारी कॉम्पोजिशंस भी थी जिसमें से बहुत ही फेमस अलवर कॉम्पोजिशन है नलायीरा दिव्य प्रबंधम, किताब मेंशन है हमारी किताब हमारी बुक में भी, और तमिल वेदा कहा जाता है इसको, और वो कह रहे थे कि इसको चार जो वेद हैं उसका बराबर ही समझा जाए। ऑलराइट दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट रीजन असर्शन, कि रीजन असर्शन टाइप क्वेश्चन भी आपको आते हैं तो वो भी आपको आने चाहिए। पहला कि आपको यहाँ स्टेटमेंट मिलेगी, आपने बताना है कि वो जो दूसरी स्टेटमेंट है वो उसको करेक्टली जो रीजन है उसका या फिर नहीं है, ठीक है। पहली स्टेटमेंट है यहाँ पे आपके पास कि जो कुछ बहुत ही शानदार जो शिव के टेंपल मिले, जैसे जैसे चिदंबरम में, थंजावुर, गंगई कोंडा, चोलापुरम में, ये चोला रूलर्स द्वारा बनाए गए थे, ठीक है। पहले तो आपको देखना होता है क्या ये स्टेटमेंट सही है कि गलत। दूसरा यहाँ पर जो चोला रूलर्स है जो 10वीं से 9th टू 13th सेंचुरी वाले, ये ब्राह्मणिकल और भक्ति ट्रेडिशन के सपोर्टर थे, दे सपोर्टेड, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि आपको सेकंड स्टेटमेंट पे जज करनी है कि ट्रू है कि नहीं। अब आपकी ऑप्शंस आती हैं, पहला दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और जो स्टेटमेंट बी है वो रीजन है स्टेटमेंट ए का, देन जो दोनों स्टेटमेंट ए और बी करेक्ट है, जो स्टेटमेंट बी रीजन नहीं है ए का, ठीक है, नॉट पे ध्यान दीजिएगा, देन स्टेटमेंट ए करेक्ट है बी करेक्ट नहीं है, बी करेक्ट है ए करेक्ट नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये वाले टाइप के सवाल यूपीएससी पहले बहुत पूछता था, लेकिन लेटर ऑन काफ़ी कम हो गए हैं, हर जैसे कुछ एक दो सालों में एक दो सवाल वो पूछ लेते हैं आपको रीजन असर्शन टाइप के, ठीक है दोस्तों। तो बताइए यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट आपको लगती है पहले करेक्ट, देन उसके बाद रीजनिंग भी करनी है आपको कि रीजनिंग सही है कि नहीं, ठीक है। तो यहां पर आपका जो राइट आंसर इज यहां पर जो ऑप्शन ए, कि दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, जो चोला रूलर्स थे उन्होंने बहुत सारे जो टेंपल्स बनवाए, शिव के टेंपल बनवाए एंड इन सब जगहों पर बनवाए, दैट इज करेक्ट, क्योंकि वो ब्राह्मणिकल और भक्ति ट्रेडिशन के मेजर सपोर्टर्स में से एक गिने जाते हैं, ठीक है। इसी कारण वो बहुत सारे शिव टेंपल उन्होंने बनवाए, कि स्टेटमेंट बी तो करेक्ट है ही है, ए को वो राइटली जो रीजन आउट भी करती है, ठीक है। तो ये आपका वहीं पर जो चोला टेंपल के बारे में बात की हुई, और चोला टेंपल पर उनके ब्रोंज स्कल्पचर्स वगैरह ये तो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, आपको इनफैक्ट अगर इनके नटराज की मूर्ति वगैरह जो बात करें इस पर यूपीएससी 2013 में 10 मार्कर मेंस में सवाल भी पूछ चुका है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अगला सवाल देखें आज का करंट अफेयर्स का, ये है अबाउट 5G टेक्नोलॉजी। आप बताइए 5G के कॉन्टेक्स्ट में, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, आप सब मोबाइल में यूज करते हैं 4G है ना, तो 5G के कॉन्टेक्स्ट में बताइए कि ये कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। पहला, ये इससे लॉन्गर बैटरी लाइफ मिलेगी आपको मोबाइल फोन में। दूसरा, जो 5G टेक्नोलॉजी है इसमें स्पीड ऑफ इंटरनेट का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, इट इज नॉट रिलेटेड विद इंप्रूविंग स्पीड ऑफ इंटरनेट। तो बताइए कौन सी स्टेटमेंट है यहाँ पे करेक्ट, ठीक है दोस्तों। ऑप्शंस आपके सामने, स्टेटमेंट आपके सामने, आपको आंसर बताना है अपना, एंड राइट आंसर इज यहाँ पर सिर्फ वन करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है, कि ये बैटरी लाइफ इंक्रीज करेगी, कि जो टेक्नोलॉजी में, जैसे आपने शायद नाम सुना होगा रिसेंटली बहुत एक कंपनी न्यूज़ में है, हुआवाई है ना, हुआवाई चाइनीज कंपनी है, ये 5G की लीडर है,
दुनिया भर में, ठीक है। इनके CFO को गिरफ्तार कर लिया था कनाडा में, जो कि कुछ कि उन पर इल्ज़ाम लगे थे कि ईरान में जाके अपने प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं अगेंस्ट US सैंक्शंस। तो चाइनीज कंपनी है, वो 5G टेक्नोलॉजी दुनिया भर में लेकर आ रही है एंड इससे बैटरी लाइफ इंप्रूव होती है। वो बोलते हैं कि अब जो आपका नेटवर्क के कारण आपकी बैटरी बहुत कम कंज्यूम होगी, बैटरी की लाइफ बढ़ेगी। एंड देन वो कह रहे हैं कि स्पीड आपकी, जैसे अभी 4G में बोलते हैं कि आपको अप्रॉक्सीमेटली 1000 Mbps की स्पीड की लिमिट है, तो यहाँ पर ये 10 गुना करने की बात करते हैं, 10,000 Mbps हो जाएगी। मतलब आप लगा के चलिए कि 10 GB पर सेकेंड आप यहाँ पर थियोरेटिकली डाउनलोड कर सकते हैं 5G में, ठीक है। और बाकी ये 5G के बारे में बात करें कि इंडिया में कब आने की बात हो रही है, और इतना तेज़ इंटरनेट होगा और इतना वाइडली इसको हम जो स्प्रेड कर सकते हैं, जैसे 4G ही ऑलरेडी हर तरफ फैल चुका है। जैसे यहाँ पे लिखी 5G की जो लिखी यहाँ पर कि कुछ खूबियाँ एंड किस तरह से स्पीड की बात करते हैं, थ्रेटिकल स्पीड क्या रहेगी। तो और उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि थोड़ा मेन्स ओरिएंटेड है ये, कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में बात भी शुरू हो गई है, कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी शुरू हो सकता है। इतना तेज इंटरनेट है कि बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आप इंटरनेट से चला सकते हैं, जैसे गाड़ियाँ, जैसे अपने घरों में सिटीज़, है ना, वर्चुअल रियलिटी वगैरह सब कुछ बहुत आराम से हो सकता है इतने तेज़ इंटरनेट से। ऑलराइट, तो इस पर थोड़ा रीड करिए, इस पर थोड़ा जान सकते हैं आप, ठीक है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया में ही बहुत ही अच्छे ग्राफिक्स आते हैं, तो वहाँ से हम यूज़ भी करते हैं। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट जीनो ट्रांसप्लांटेशन। आप मुझे बताइए जीनो ट्रांसप्लांटेशन क्या होती है। पहला, ये जेनेटिक क्रॉस ब्रीडिंग है ऑफ स्पीशीज, या फिर ये क्रॉसिंग ऑफ पोलन्स है दो डिफरेंट फ्लावर्स के, ठीक है, या फिर ये म्यूटिंग ऑफ जीन्स है रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज या सोर्सेज यूज करके, या फिर नन ऑफ द अबव। तो बताइए जीनो ट्रांसप्लांटेशन इसमें से कौन सा राइटली डिफाइन करने वाली ऑप्शन है, ठीक है दोस्तों। एंड राइट आंसर इज यस, इसमें से कोई भी नहीं। जीनो ट्रांसप्लांटेशन होती है कि अगर ह्यूमंस में हम किसी एनिमल का कोई ऑर्गन लगा दें, फॉर एग्जांपल रिसेंटली जैसे डॉक्टर्स ने एक पिग का हार्ट निकालकर एक इंसान में लगा दिया, दैट इज कॉल्ड जीनो ट्रांसप्लांटेशन। ऑलराइट, इसको कंफ्यूज नहीं करना। इंडिया में बहुत ही फेमस केस था, गुवाहाटी का केस है, जहां पे डॉक्टर ने ये अटेम्प्ट किया था एंड डॉक्टर को मर्डर के चार्ज में अरेस्ट कर लिया गया था। एंड लेकिन साइंस में ये ज़रूरी है कि एक नई नई तरह से रिसर्च चलती रहे, तो इस पर डिबेट शुरू हुआ था कि ऐसा करना चाहिए कि नहीं। लेकिन ऐसे जब जो ह्यूमंस हैं उनको, बहुत सारे ह्यूमंस से जिनके ऑर्गन फेलियर हो जाते हैं उनको ऑर्गन चाहिए होते हैं, तो इतने लेकिन डिमांड हाई है, सप्लाई बहुत लो है, तो इसीलिए जो साइंटिस्ट नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं कि किस तरह से ह्यूमंस की हेल्प की जा सके, तो इसीलिए वो एनिमल्स वगैरह के जो ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट करने का भी आइडिया है, तो उस पर लेके लेकिन हमेशा एथिकल डिबेट बनी रहती है, ठीक है, कि ऐसा करना चाहिए कि नहीं। मैं आपको समझाता हूं कैसे। ये वही सभी प्रोसीजर है जहां पे ट्रांसप्लांट, इम्प्लांट या इन्फ्यूज किया जाए ऐसा कोई भी एक, कोई भी लिविंग सेल जो कि नॉन ह्यूमन एनिमल सोर्स से आया हो या फिर वहां उसमें बनाया गया हो, ठीक है। तो ये लेकिन अब इसमें यहां पर बहुत सारे, क्योंकि देखो वो कह रहे हैं कि सप्लाई जो है बहुत लिमिटेड है इन सब की, लेकिन डिमांड बहुत हाई है इन सब ऑर्गन्स की। लिवर ट्रांसप्लांट, किसी को हार्ट ट्रांसप्लांट चाहिए, किसी को आई ट्रांसप्लांट चाहिए, लेकिन इतने डोनर्स नहीं है। एंड देन उसके बाद यहां पर कुछ कंसर्न्स भी हैं, जैसे इन्फेक्शन, है ना, इन्फेक्शन की बात करते हैं। कुछ तो जैसे जिससे आ रहा है वो ऑर्गन, किसी पिग से आ रहा है, कहां से आ रहा है, कुछ तो रिकग्नाइज इन्फेक्शन है, कुछ अनरिकग्नाइज हमें पता ही नहीं कि किस तरह से इन्फेक्शन कैरी हो सकती हैं। एंड देन उसके बाद कि अगर किसी एक इंसान में वो डाल दिया गया, वो इंसान बाकी इंसानों को वो इन्फेक्शन कैरी ऑन कर सकता है कि नहीं, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता अभी। और कि क्रॉस स्पीशीज जो इन्फेक्शन आ जाएगी, जैसे अभी बहुत सारी इन्फेक्शन है जो एनिमल्स तक ही सीमित हैं, क्या वो इन्फेक्शन ह्यूमंस में आ जाएंगी, ऐसे रेट्रोवायरसेस क्या ह्यूमन की तरफ आ जाएंगे, और उससे बहुत सालों बाद पता लगेगा हमें ऐसी कोई बीमारी हो सकती है कि नहीं। एंड क्योंकि अभी हमारे पास टेक्निक्स भी नहीं है जो उनको आइडेंटिफाई कर सकें ऐसी इन्फेक्शंस को। तो ये पूरी हिस्ट्री है जीनो ट्रांसप्लांट की, बहुत ही मज़ेदार है, आप इसको पढ़ के देखिएगा, टाइम्स ऑफ इंडिया में ही आया था ये, तो आप इसको रीड करेगा कि कब कब कैसे कैसे कितने की सर्वाइवल रेट बहुत लो है। जब भी इसे ट्रांसप्लांट के अटेम्प्ट्स किए गए हैं, तब जो जिन लोगों में ट्रांसप्लांट किए गए वो बहुत ही कम टाइम के लिए सर्वाइव किए, तो इसीलिए अभी जो इतिहास तो बहुत जो ऐसा नहीं है कि मज़ेदार नहीं है, क्योंकि अभी लंबी जो रेस बाकी है कि किस तरह से इसको हेल्दी तरह से हम ट्रांसप्लांट कर सकें। लेकिन फिलहाल आपके सामने ये पूरा हिस्ट्री का चार्ट कि कैसे जीनो ट्रांसप्लांट्स, इतना आप जान लेंगे ना आप कोई वर्ड कभी भूलेगा नहीं एग्जाम में, तो इसलिए रीड कर लीजिए कि ठीक है। ओके, आखिरी सवाल आज का, ये आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट है करेक्ट। पहला, जो वॉयेजर 2, ये वॉयेजर 1 से पहले लॉन्च किया गया था,
क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? दूसरा, अगर देखें अर्थ से कितना दूर है, डिस्टेंस अवे फ्रॉम अर्थ, वॉयजर 2 आगे है वॉयजर 1 से, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कौन सी स्टेटमेंट है यहां पर करेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो वॉयजर तो हमेशा ही न्यूज में रहते हैं, रिसेंटली भी वॉयजर 2 न्यूज में था, तो इसीलिए सवाल बनाया आपके लिए। एंड दोस्तों राइट आंसर इज यहां पर 1 ओनली, दैट इज करेक्ट। वॉयजर 2 कुछ दिन पहले लॉन्च किया था वॉयजर 1 से, लेकिन उसका रास्ता थोड़ा डिफरेंट था। आज देखें तो वॉयजर 1 बहुत आगे है वॉयजर 2 से, ठीक है। और उसके पहले ये बनाए गए थे कि कुछ जो थोड़े एक्जो प्लैनेट्स को जानने के लिए, नॉट एग्जैक्टली एक्जो प्लैनेट सॉरी, तो ये जो हमारे जो जुपिटर सैटर्न है ना नेपट्यून, इनको जानने के लिए बनाए गए थे। लेकिन अब तो ये इतना दूर जा चुके हैं कि ये सोलर सिस्टम के हमारी आउटर बाउंड्रीज पे कहीं पहुंच गए हैं। तो अभी देखें वॉयजर 2 का डिस्टेंस देखें, 11 बिलियन माइल्स है, वॉयजर 1 13.4 बिलियन माइल है सन से दूरी। और देखो कितना टाइम लगता है, अगर ये सिग्नल भेजते हैं 16.5 घंटे लगते हैं वॉयजर 2 के सिग्नल को अर्थ पे पहुंचने में, एंड ऑलमोस्ट 20 घंटे लगते हैं वॉयजर 1 के सिग्नल को वापस अर्थ पे पहुंचने के लिए। और मजेदार चीज, जो ये वॉयजर जो हमारे जो स्पेस क्राफ्ट्स हैं, ये इन पर एक सीडी लगा दी है, गोल्डन रिकॉर्ड बोलते हैं उसको, तो उसमें ना बहुत सारी भाषाओं में, बहुत सारी जो ना लैंग्वेज में रिकॉर्डिंग एंड रिटर्न है कि जो कि अर्थ की तरफ से हेलो भेजा गया है, कि अगर कोई एलियन लाइफ मिले कभी बहुत आगे जाके उनको, तो उनको हेलो फ्रॉम अर्थ ऐसे कुछ लिखा गया उस पर, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए पूरी जर्नी बताई है कि कब शुरू हुआ प्रोजेक्ट है ना, कब आगे आगे बढ़े और कैसे। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, कल आपको इस पे पूरा डिटेल्ड वीडियो मिलेगा, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। कि टर्मिनेशन शॉक ये क्या होता है ना, इंटरस्टेलर विंड्स, हीलियो शीथ, जैसे सर ने आपको इनसाइट पर एक बताया था, जो मार्स का इनसाइट मिशन है उसमें भी ये टर्म्स एक्सप्लेन की थी, दोबारा कल एक्सप्लेन की जाएंगी, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये टर्म जानना। वॉयजर पर आपको यूपीएससी प्री में सवाल आ चुका है। एंड देन उसके बाद आप यहाँ पे देखिए हीलियो शीथ, हीलियो पॉज है ना, ये सब चीज़ें क्या हैं, और ये कब कौन से प्लैनेट पर कौन सा हमारा अर्थ से मिशन गया। इसके बाद की जो ग्रेट रेड स्पॉट है उसके बारे में क्या बोलता है, कि वो जो वॉयजर बोलता है कि वो तो साइक्लोन लाइक स्टॉर्म है, ठीक है, स्टॉर्म चल रही है। एंड इट डज नॉट स्टॉप हेयर, उसके बाद ऊट क्लाउड, वॉट इज ऊट क्लाउड, इसके बारे में बात करनी जरूरी है। एंड देन उसके बाद अगर देखें कि हमारे मिल्की वे के बारे में कुछ जानना जरूरी है, तो कल एक पूरा एक लेक्चर आएगा, आप उस पर पूरा ये जान सकते हैं कि क्या क्या डिटेल्स हमें रिक्वायर्ड है। तो पढ़ते रहिए, एक से एक चीज आगे निकलती रहती है, एंड दैट इज व्हेन यू रियलाइज कि कितना सारा काम करना बाकी है। ऑलराइट दोस्तों, तो ये आज का प्रीमिक्स था, और जाते जाते आपसे एक छोटी सी बात कि बिल्कुल भी वक्त जाया ना कीजिए। बहुत से लोग हैं वो हम उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते रहते हैं कि जनरली वो क्या करते हैं कि यूट्यूब पर आते हैं लेक्चर देखने, और उसके बाद आधा घंटे बाद रिलाइज करते हैं लेक्चर खत्म हो गया स्लीपी क्लासेस का, उसके बाद कुछ भी और कोई नया गाना आ गया, कुछ और आ गया, उसी में ही लगे रहते हैं। तो ये प्लीज मत कीजिए, क्योंकि अगर आप वक्त जाया कर रहे हैं तो आप वक्त नहीं, खुद को आप खराब कर रहे हैं, ठीक है। यू नॉट वेस्टिंग टाइम, यू आर वेस्टिंग योरसेल्फ। एक एक चीज काम आएगी, मैं बता रहा हूं आपको, एक एक जो आपका जो एक घंटा एक दिन जो आप खराब कर रहे हैं, यू विल एब्सोल्युटली रिमेंबर इट लेटर ऑन कि उस दिन कर लेना चाहिए था, उस दिन देख लेना चाहिए था, और करना चाहिए, और जानते रहिए, एक से एक चीज निकलती रहती है। ओट क्लाउड पढ़ोगे तो उसमें कुछ कुछ और निकल कर आएगा, है ना। वॉयजर 1-2 के बारे में जानोगे तो पायनियर निकल के आएगा, पायनियर के बारे में जानना जरूरी है। कैसीनी स्पेसक्राफ्ट क्या करता है इसके बारे में जानना जरूरी है। यूपीएससी में आपको बहुत सारा जानना होता है, मुझे लगता है आपको ये बात अभी तक जान लेनी चाहिए, ठीक है। इट इज़ अ लॉट अबाउट नोइंग, आपको जानना है, ठीक है। तो इसीलिए डू नॉट वेस्ट टाइम एंड नो, ठीक है। अपनी जर्नी जो नोइंग की जर्नी को आगे बढ़ाइए, टाइम मत वेस्ट कीजिए, खुद को वेस्ट कर रहे हैं आप, ठीक है। अपने पोटेंशियल को वेस्ट मत होने दीजिए, पोटेंशियल बनता है, ग्रेजुअली बनता है, एक एक दिन के मेहनत से बनता है। वीडियो देखा, साइड रखा, दैट्स इट। आपको पता है वीडियोस के अपलोड होने के टाइम क्या है, अब तो आपको नोटिफिकेशन वगैरह भी अच्छे से आ रही हैं, तो नोटिफिकेशन देखिए, वक्त बिल्कुल भी खराब नहीं करना। ऑलराइट दोस्तों, तो बस बाकी जाते जाते आपको वही कि बहुत सारे जो कोर्सेज चल रहे हैं फ़ायदा उठाइए। मेंटरशिप का लास्ट बैच जारी है, एनरोलमेंट चल रही है उनकी, एंड लास्ट बैच जो मेंटरशिप का है उसके रिगार्डिंग कि किस तरह से फॉलो किया जाए, क्या किया जाए, मैं आपको भी बताऊंगा। बहुत बच्चों ने अभी रिसेंटली एनरोल किया, उनके लिए एक वीडियो बनाना ज़रूरी है। ऑलराइट दोस्तों,
और वही सेक्शनल टेस्ट भी हैं मेंस के, आप चाहें तो वो भी दे सकते हैं। प्री के टेस्ट सीरीज भी है जिसको हम और रीवैम्प करके हमने इसको शुरू कर दिया है। ऑलराइट, तो आपको पहला टेस्ट उसका हम सभी को फ्रीली अवेलेबल कराने का प्लान कर रहे हैं, जल्दी होगा। प्री का क्रैश कोर्स भी बहुत जल्दी आपके सामने होगा, ताकि प्री की भी बहुत अच्छी तरह से एक बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन की जा सके। ऑलराइट दोस्तों, तो बस ये बहुत सी जगहें हैं जहाँ पे आप हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। हमारी ऐप है एक जो एंड्रॉयड का मोबाइल है अगर आपके पास, तो ऐप पे डाउनलोड कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, वेबसाइट देख सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी जगहों पे आपकी मेल्स आती रहती हैं हमें, एंड वी ट्राई टू रिप्लाई देम एज सून एज पॉसिबल। ऑलराइट, तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में फिर से कल दोबारा। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।